असलम एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू माई चैनल आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वट इज़ एम फाइल एंड वाई वी यूज़ इट एम फाइल क्या होती है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं एम फाइल का कॉन्सेप्ट मेटलेब में बहुत ही ज्यादा इम्पॉटेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज आपकी फुल फ्लैश मेटलेब की कोडिंग जो है इस एक एम फाइल के ऊपर बेस कर रही होती है सो तो अगर आपको इसका बेसिक नॉलेज होगा तो आपके लिए कोड डिवेलप करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा सो मोस्टली क्वेश्चन जो एम फाइल के ऊपर पूछे जाते हैं उसमें आपके पास सबसे पहले ये कि एम फाइल क्या है Uh, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो और उसके बेनिफिट्स क्या हैं इसके अलावा साइड इफेक्ट्स क्या हैं एम फाइल के हम उनके साइड इफेक्ट्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं उसके अलावा आप एम फाइल को कैसे क्रिएट करते हो और सेव करते हो आप उसको रन कैसे कर सकते हो और कुछ टाइप्स हैं एम फाइल की उनके ऊपर सो so, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली एम फाइल के ऊपर पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए बिकॉज आपको जितना बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी चीज़ के ऊपर क्लियर होगा आपको उतनी ही कमांड होगी उसके ऊपर सो कोडिंग पे कमांड के लिए इन सब चीज़ों का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो so, आज के हमारे जो टारगेटेड टॉपिक हैं वो एम फाइल और उसके बेनिफिट्स के ऊपर हैं लेटर ऑन इन फ्यूचर मैं बाकी भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस अपलोड करती रहूँगी सो so, उसके लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलते रहें और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको सो so, चलिए मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ सो वट इज़ एम फाइल एम फाइल को हम लोग स्क्रिप्ट फाइल भी कहते हैं और आप एम फाइल का हो या स्क्रिप्ट फाइल का हो इट्स अप टू यू दोनों ठीक हैं इसके अलावा एम फाइल आपके पास एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है जिसके ऊपर हम अपने मैटलब की कमांड्स को लिखते हैं या रखते हैं इसके अलावा जब आप एम फाइल की uh, एम फाइल को रन करते हो तो वो आपकी कमांड्स को रीड करता है और आपको एग्जीक्यूट करके देता है आंसर्स तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जब भी मैट लैब की कमांड्स को लिखना है तो उनकी ऑर्डर अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आपकी ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होगी तो वो भी कभी भी आपको एग्जीक्यूट करके नहीं दे देगा वो एरर दे देगा रीज़न ये है कि ऑर्डर अरेंजमेंट से मुराद ये है कि आपने जिस जिस तरह से क्वेश्चन को बाय हैंड सॉल्व करते हो उसी उसी स्टेप्स में आपने मैट लैब की कमांड्स को लिखना है अगर आप कोई चीज़ मिस कर

लेकिन दूसरे केस में अगर आप एक नंबर जो है वो एंटर करते हो और उसके बाद मैटलब की कमांड दे देते हो और फिर आपको याद आता है ओह मैंने तो एक और नंबर लिखा ही नहीं फिर आप दूसरा नंबर लिखते हो और फिर आप उसको रन करोगे तो वो कभी भी रन नहीं करेगा बिकॉज़ उसने आपका एक नंबर तो उठा लिया उसके बाद वो आपकी कमांड उठा रहा है ना कि आपका सेकेंड नंबर सो इसमें ऑर्डर अरेंजमेंट और जो भी है वो आपको लिखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को माइंड में रखना है तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के आपके पास जो एम फाइल की एक्सटेंशन होती हैं नेम के एक्सटेंशन वो हमेशा डॉट एम होती है डॉट एम के अलावा आप कोई भी एक्सटेंशन यूज नहीं कर सकते चौथी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो भी नाम असाइन करना है मैटलैब को वो विदाउट स्पेसेस असाइन करना है अगर आप उसमें स्पेसेस दोगे तो वो मैटलैब आपके कोड्स को कभी भी रन नहीं करेगा एरर देता रहेगा सो इसके लिए आपको स्पेसिस के बगैर नेम असाइन करना है और अगर आप उसमें स्पेस देना चाह रहे हो तो उसके लिए आप ई एम डैश यूज़ कर सकते हो उसके साथ आप स्पेस दे सकते हो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन क्यू वन आप लिख रहे हो और आप स्पेस डालना चाह रहे हो तो क्यू के बाद ई एम डैश एंटर करें देन अपना वन लिखें तो वो भी आप एंटर कर दोगे तो वो एप्लीकेबल है वो एक्सेप्टेड है मैटलब एक्सेप्ट कर लेगा और आपको कोई एरर नहीं देगा दूसरा मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है दैट वाई वी यूज एम फाइल एम फाइल को क्यों यूज किया जाता है या उसके बेनिफिट्स क्या हैं सो so, पहली बेनिफिट जो है वो सेव फॉर अ लॉन्ग टाइम है आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हो अगर आपने उसको आज एम uh, फाइल बनाई है क्रिएट की है और आप उसने उसको सेव किया है तो आप अगर उसको टेन डेज़ के बाद ओपन करना चाहते हो या फिफ्टीन डेज के बाद या वन ईयर के बाद जब चाहे आप उसको ईजिली ओपन कर सकते हो वो आपके सिस्टम में मौजूद रहती है दूसरी चीज़ ये है कि आप एम फाइल को ईज़िली एडिट कर सकते हो अगर आपने एम फाइल में कोई कोड डिवेलप किया है आप लेटर ऑन चाहते हो कि आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो या आ, कुछ गलत लिख दिया है उसको ठीक करना चाह रहे हो तो इजीली एडिट कर सकते हो जबकि कमांड विंडो में हमें ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं थी हम उसको एडिट नहीं कर सकते थे एक दफा आपने टाइप कर दिया वो टाइप हो चुका है उसने एग्जीक्यूट कर दिया आप उसको दोबारा से एंटर सॉरी दोबारा से एडिट जो है वो नहीं कर सकते तो अगर आपने कोड लिखा है और कोड में जो है वो आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको स्टार्ट से लेके एंड तक कोड दोबारा से लिखना पड़ेगा जबकि एम फाइल में ये बेनिफिट आपको मौजूद है कि आप उसको एडिट कर सकते हैं और जब चाहे उसमें चेंजेस कर सकते हैं इसकी वजह से आपका जो कोड होता है वो फास्ट और अफिशियट आपको आंसर प्रोवाइड करके देता है आपका टाइम उसमें वेस्ट नहीं होता सो चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये आपको ट्रैवल फ्रेंडली है आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इजीली उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो थ्रू यू और योर हार्ड डिस्क इसके अलावा अगर आप उसको मेल के थ्रू भी ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो वो ईज़ी ट्रांसफ़र हो सकती है बिकॉज इस ये इसका साइज भी बहुत छोटा होता है और शॉर्ट टाइम में और ईज़िली जो है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो जाता है सो so, आज के लिए इतना ही था नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि इसके साइड mm, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं एम फाइल के और हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ़ एंड